में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मेरठ के महिला जिला अस्पताल में नवजात शिशु को लेकर बड़ा रहस्य सस्पेंड कंफ्यूजन। रात को बताया बेटा पैदा हुआ है और सुबह तक वो बेटी बन गई। कंफ्यूजन लापरवाही से भरी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सारू। कहाँ से आप? रसूलपुर जाई। क्या घटना हुई आपके साथ में यहाँ? सर हमारे साथ घटना ये हुई है कि हमें कल तो पहले लड़का बताया पूरे स्टाफ को मैंने जो मिठाई तो लाया नहीं है, मैंने उनको पैसे वैसे दिए, फिर ऊपर गया, ऊपर वार्ड में मुझको अलग बुलाया, इनाम दिया उन्हें भी कि तुम्हारे लड़का हुआ है, कि हमने इतनी मेहनत की है। फिर मैं शाम के टाइम खाना वाना देकर घर पर चला गया तो सुबह आया, सुबह मुझको लड़की बता रहे। दिन 8 जनवरी 2021 मेरठ के महिला जिला अस्पताल से नवजात शिशु को लेकर अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नवजात शिशु लड़का है या लड़की इस बात का कंफ्यूजन आशा ने बनाया। यहां आपको बता दें, आशा ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की सेहत की देखभाल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने वर्ष 2005 में आशा कार्यकर्तियों मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद सृजित किया था। आशा का कार्य स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। जो घटनाक्रम हुआ उसमें सवालों के घेरे में आशा यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अस्पताल का प्रशासन दोनों है। शाहरुख की पत्नी जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए एडमिट थी। डिलीवरी के बाद परिजनों को आशा की कार्यकर्ता अनीता ने बताया कि बेटा पैदा हुआ है और स्लिप में भी जेंडर में लिखा हुआ तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। बेटा पैदा होने की खुशी में शाहरुख ने स्टाफ को मिठाई के लिए पैसे भी बांट दिए, खुशी भी जाहिर कर दी और बच्चा नर्सरी में था। शाहरुख रात को अपने घर चला गया। जब सुबह शाहरुख जिला महिला अस्पताल पहुंचा तो स्टाफ ने बताया कि बेटी पैदा हुई है, जबकि रात को उसको बताया गया था कि बेटा पैदा हुआ है, उसको नर्सरी में रखा गया है। सवाल बेटी या बेटा पैदा होने का नहीं है, सवाल है कि रात को बताया बेटा पैदा हुआ है और सुबह होते होते वो बेटी बन गई। ये लापरवाही है या गलतफहमी आशा की या जिला महिला अस्पताल प्रशासन व्यवस्था की, ये बड़ा सवाल है। ये घटना आशा पर एक सवालिया निशान है और आशा की कार्यशैली कितनी चुस्त दुरुस्त है ये भी इस घटना से खुलासा हो रहा है। मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। दीपा, गीता क्या करती हैं आप? आशा है। इनके साथ, इनकी वाइफ के साथ आप थी? क्या केस था? डिलीवरी केस था। आप लेके आए थे? आप वहाँ मौजूद थे? लड़का हुआ था लड़की? मैं बाहर थी, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं, बच्चा ज्यादा सीरियस था तो वे नर्सरी में लेके गई। बताया तो होगा डिलीवरी के बाद में क्या हुआ है? उसके बाद उन्होंने जब वो बच्चा नर्सरी में रख दिया तो तब बताया था उन्होंने कि मैंने पूछा उनसे क्या हुआ, मैम कहले कि लड़का हुआ है। तो उसके बाद आपने देखने को? उसके बाद मैंने देखने, उन्होंने देखने नहीं दिया, अंदर नहीं जान दिया। हाँ, बोले कि इन्फेक्शन फैलता है नर्सरी में। अच्छा, तो अब क्या बता रहे हैं आपको? अब लड़की बता रहे हैं कि लड़की हुई, आशा तेरे सुनने में प्रॉब्लम हुई, अब हुई, अब मुझे डांट दी। कि खाली आपको ही बता दिया या इनको बता दिया? स्लिप के अंदर मेल लिखा हुआ है। हाँ, ये मैंने भरी थी स्लिप, जब उन्होंने मुझे बता दिया कंफर्म करके। तो इसमें गलती फिर इसका मतलब ये आपकी, आपने जब इसका एम भरा, मेल भरा? हाँ, थी उन्होंने बोला ना कि मैंने तभी भरा, इसमें अंदर से आपको कोई प्रूफ नहीं मिला, उन्होंने बोला आपने लिख दिया। हाँ जी, मैंने देखा नहीं था, उन्होंने बेटा बताया तो मैंने तभी बेटा भरा। किसने बताया था आपको ये? स्टाफ ने, जो उसमें लेके आई बच्चे को नर्सरी में। जिस टाइम बच्चा लेके आए थे, क्या आपको एक बार भी बच्चे को देखने नहीं दिया था? बच्चे को नहीं जी, बच्चा ज्यादा सीरियस था, उन्होंने मुझे देखने नहीं दिया। ये किरण भी कौन है? ये एनम है जो टीके लगाती है। खबर
राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।